हम एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन को समराइज कर रहे हैं। पूरे आर्टिकल को मैं आपको समरी के रूप में दे रही हूँ और आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं। अब ये एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन हैरियट टेलर मिल का लिखा है, 1851 में ये पब्लिश हुआ है और जो वेस्टमिंस्टर एंड फॉरेन क्वार्टरली रिव्यू, आप इसको लिख सकते हैं। ओरिजिनली किसी नाम से नहीं लिखा गया था क्योंकि महिलाओं की पब्लिकेशंस होती नहीं थी। ये हैरियट टेलर मिल है जिनको आप देख सकते हैं और ये उनका फोटो है। ये आर्टिकल है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, फ्री अवेलेबल है। अब इसमें मैं शुरुआत में बता रही हूँ कि किस तरह से वो हैरियट पहले, सबसे पहले 1850 में कन्वेंशन हुई थी, वुमेन राइट कन्वेंशन, जो कि 23-24 अक्टूबर को ओहियो स्टेट ऑफ ओहियो में, ये यूएसए में है। और जो इसका सक्सेशन, इसका जो बाद में ए सक्सेशन ऑफ द पब्लिक मीटिंग्स वाज हेल्ड एट वॉरसेस्टर इन मैसाचुसेट्स और उसका नाम था विमेन्स राइट्स कन्वेंशन। और काफी सारी महिलाएं थी, सारी ही महिलाएं थी ज्यादातर, और जो चीफ स्पीकर है वो भी महिला थी और बाकी के जो न्यूमरस स्पीकर हैं वो भी सारी औरतें थी। औरतों के मुद्दे थे, मतलब पहली बार औरतों ने अपने मुद्दे रखे। अब इसको न्यूज़पेपर ने किस तरह रिपोर्ट किया कि वो न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क ट्रिब्यून लिखता है, इफ अ लार्जर प्लेस कुड हैव बीन अबाउट 1000 persons वर प्रेजेंट, मतलब हजारों लोग वहाँ उपस्थित थे, और अगर ज्यादा बड़ा जगह मिलती तो वहाँ पे और भी ज्यादा लोग आ सकते थे, और क्राउडेड फ्रॉम द बिगिनिंग विद अटेंटिव एंड इंटरेस्टेड लिसनर्स, मतलब जगह बहुत ज्यादा भीड़ भड़के वाली थी, सारे ही जो ऑडियंस थे वो बहुत अटेंटिव लिसनर थे। और इसमें जो इश्यूज उठाए थे महिलाओं के उस कन्वेंशन में क्या था, अब मैं इशू पढ़ के सुना रही हूँ आपको, ये बहुत जरूरी है और इसी से हमारा इसका पूरा थीम तय हो जाता है। तो ये कुछ इश्यूज है जो इन्होंने बाद में, क्योंकि किसी भी मीटिंग का एक एजेंडा या उसके मिनट्स लिखे जाते हैं, तो उसमें क्या लिखा गया यही हम अभी देख रहे हैं। अब मैं आपको ये थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ जो ज्यादा आपको क्लियर करेगा। दैट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ फुल एज एंड रेजिडेंट ऑफ अ प्रॉपर लेंथ ऑफ टाइम ऑन द सॉइल ऑफ द नेशन हु इज रिक्वायर्ड टू ओबे द लॉ इज एंटाइटल्ड टू वॉइस इन इट्स इनएक्टमेंट दैट एवरी सच पर्सन हुज प्रॉपर्टी और लेबर इज टेक्स्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू अ डायरेक्ट शेयर इन सच गवर्नमेंट। तो अब ये कि वो बोलते हैं महिलाएं कि कोई भी इंसान जो एक प्रॉपर एज का है, एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, और वो एक लंबे समय तक किसी भी पर्टिकुलर जगह पे वो रह रहा, तो उसको, और वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स देता है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है अपने काम से, तो उसको पूरा उस गवर्नमेंट के शेयर में उसको हिस्सा लेने का अधिकार है। और उसमें हम इसलिए नहीं रोक सकते उसको क्योंकि वो महिला है, महिलाएं काम करती है, नौकरी करती है, टैक्स पेयर होती है, उसके बावजूद भी अभी इस वक्त 1850 में जब ये बात हो रही है तो उनको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये पहली डिमांड थी महिलाओं की कि अगर आप एक एडल्ट एज में हो, आप टैक्स पेयर हो और आप एक लंबे समय तक उस देश में रह रहे हो, तो वहां की गवर्नमेंट में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपको हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो। दूसरा है रिजॉल्व दैट वुमेन आर एंटाइटल्ड टू राइट ऑफ सफरेज एंड टू बी कंसिडरेबल एलिजिबल टू ऑफिस। सफरेज आप जानते हैं, SUFFRAGE, सफरेज में होता है राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार है और आप उसको किसी भी ऑफिस के लिए आप एलिजिबल हैं। दैट एवरी पार्टी विच क्लेम टू रिप्रेजेंट द ह्यूमैनिटी द सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ एज इज बाउंड टू इंस्क्राइब और इट्स बैनर्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और कलर। देखिए आप पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक बात समझेंगे कि महिलाओं को इसलिए डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता क्योंकि वो महिलाएं हैं, मतलब एक सेक्सुअल आइडेंटिटी को आपने एक जेंडर पर्सपेक्टिव में डाल दिया, बायोलॉजिकल जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसको एक जेंडर पर्सपेक्टिव में डाल के और उसका आधार बना दिया डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि तुम महिला हो इसलिए तुम्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, तुम्हें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है और तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, और हम छेड़खानी करेंगे और हम तुम्हें परेशान करेंगे, सड़क पे चलते हुए कुछ भी कमेंट करके निकल जाएंगे क्योंकि तुम महिला हो। तो सारे जो मुद्दे हैं वो महिला होने की वजह से, तो जो डिस्क्रिमिनेशन जिस बेसिस पे है उसकी रेमेडी भी इसी आधार पे आती है। अम्बेडकर यही कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन का रीजन है उसी को आधार बना करके आपको उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। कास्ट में भी यही होता है,
आपको एक जाति विशेष का होने की वजह से आपके साथ बहुत भेदभाव होता है। आपकी जाति ऊंची नहीं है, आप एक ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं जिसका कि समाज में उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, उसको ऊंचा नहीं समझा जाता, उसके साथ रिस्पेक्ट डिग्निटी अटैच नहीं है, इसीलिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यही बात बाबा साहब कहते हैं कि आपका जो जाति की वजह से अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन है तो जाति की वजह से ही उसका आपको समाधान भी मिलेगा। महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए वुमेन होने की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन मिलता है उसी वजह से वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको समाधान करना पड़ेगा। और जितनी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट है उनमें मैंने एक चीज देखी कि वो हमेशा इस बात को ज्यादा फोकस करती है कि आप ह्यूमैनिटी पे आओ, इंसानियत पे आओ, भाई आप इंसान हो, आप महिला औरत का भेदभाव छोड़ो, आप ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव छोड़ो, आप इंसानियत की बात करो। और इसी आर्टिकल में हैरियट टेलर मिल भी कहती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेल वर्ड है ना उसको हटा दो, स्ट्रक करो उसे, वहां पे आपको इंसान लिखना है। जुडिथ बटलर भी यही बात कहती है, पूरा का पूरा जेंडर ट्रबल में वो एक ही बात कहती है कि आपने स्ट्रेट मैन और स्ट्रेट वुमन बना दिए, आपने एक डिवीजन कर दिया, उसके बाद उसके आधार पे आपने डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। तो ये जो शब्द है महिला और पुरुष, इसको हटा के आप एक ह्यूमन वर्ड यूज करिए, कॉमन वर्ड यूज करिए ह्यूमन, जिसमें कि सब आ जाते, जिसमें कि आप एलजीबीटी ग्रुप भी आ जाता है, जिसमें कोई भी कास्ट हो, कम्युनिटी हो, जेंडर हो, एथनिसिटी हो, लैंग्वेज हो, कलर हो, ज्योग्राफी हो, और मतलब कुछ भी हो, आप सारे डिस्क्रिमिनेशन छोड़ करके आप सिर्फ इंसान को देखिए, ह्यूमन बीइंग। तो ये ह्यूमन बीइंग वाला एस्पेक्ट आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट में मिलेगा, ये ह्यूमन बीइंग वाला एस्पेक्ट आपको जेंडर ट्रबल में मिलेगा, ये ह्यूमन बीइंग वाला एस्पेक्ट आपको कास्ट में मिलेगा, रेस में मिलेगा, जो भी डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम है वर्ल्ड के, जहां पे इन 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 आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहां पे जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं, वी आर ह्यूमंस, treat us as humans, we talk about humanity, forget about male and female, आप male हैं या female हैं या आप हैं या नहीं हैं या आप बनना चाह रहे हैं या नहीं बनना चाह रहे हैं। क्योंकि gender trouble में Judith Butler एक बात और कहती है कि हम male और female को noun की तरह use करते हैं, noun मतलब एक fixed meaning हो गया, और Judith कहती है कि ये noun भी नहीं है, ये तो verb है, verb का मतलब action, मतलब कि कोई महिला से पुरुष बन रहा है, कोई पुरुष से महिला बन रहा है, ट्रांजिशन है। तो आपको लगा कि आज आप महिला हैं, फिर आपको लगा नहीं नहीं मैं तो कल पुरुष बनना है, तो आप बनिए, तो उसमें फिक्सिटी नहीं है, उसमें एक चेंज है, आपको जो लगता है आप बनिए, अल्टीमेटली आप आखिर में इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। तो ये इश्यू पहला था कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, उस सरकार के किसी भी उपक्रम में आपको एलिजिबिलिटी है, आपको सिर्फ इसलिए वोट नहीं देने दिया जाएगा क्योंकि आप महिला है या आपके पास इतना पैसा नहीं है। एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं कि आपको एक उम्र हो गई 18 साल की उम्र, और उसके बाद आपको उस देश के नागरिक है, बस ये दो ही आधार है, और उसके आधार पे आपको वोट देने का अधिकार है, और उसके बाद उस देश के सारे कानून में आपको अधिकार है, आपको प्रॉपर्टी का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, डिग्निटी से रहने का अधिकार है, अपनी इज्जत बचा के रखने का अधिकार है, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, भाषा, खान पान, कुछ भी आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, इसमें किसी का कोई बंधन नहीं है। ये सारी चीजें हमें सारे मूवमेंट्स में मिलेगी, और जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है इस दुनिया में उसके खिलाफ लड़ने वाले ये सारी बातें बोलते हैं। तो दूसरा इशू हम देखते हैं, रिजॉल्व दैट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक्नॉलेज नो सेक्स एंड देयरफॉर द वर्ड मेल शुड बी स्ट्रक फ्रॉम द एवरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत सिग्निफिकेंट इशू है कि जो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह एक मेल वर्ड यूज होता है, ही, उसकी जगह आप शी भी मत लगाइए, आप सिर्फ ह्यूमन बींग लगा दीजिए एज ए ह्यूमन। Resolved that since the prospects of honorable and useful employment in afterlife is the best stimulus to the use of educational advantage, and since the best education is that we give ourselves, struggles, employments and disciplines of life, therefore it is impossible that women should make full use of the instructions already accorded to them
or their career should do justice to their faculties until the avenues to the various civil and professional employments are thrown open to them. अब यहाँ एक चीज और आती है कि बहुत सारे institutions ऐसे हैं government के जो महिलाओं के लिए open नहीं है. बहुत सारे ऐसे institutions हैं जहाँ पे उनको काम की आजादी नहीं है, वो उसको चुन नहीं सकती profession को. तो यहाँ पर Harriet Taylor Mill कहती हैं कि सबको सब आजादी है, आपको सब अधिकार है. That every effort to educate women without according to them their rights and arousing their conscience by the weight of their responsibilities is futile and waste of labor. अगर आप उनको educate नहीं करेंगे women को, उनके हिसाब से rights नहीं देंगे, उनका एक एक upliftment की possibilities नहीं create करेंगे, तो आपको कुछ भी result मिलने वाला नहीं है. हमारे देश में लड़कियों को गाड़ी चलाने का बहुत कम मौका मिलता है. बहुत ज्यादा तादाद में महिलाओं को इतना फ्रिक्वेंटली कार नहीं चलाती जितनी की पुरुष चलाते हैं. संख्या के आधार पे परसेंटेज बहुत कम है. और जब महिला गाड़ी लेके सड़क पे आती है तो हमारे महान पुरुष बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट मारते हैं. मुझे लगता है पहली बात तो ये कि वो चाहते ही नहीं कि ये गाड़ियां चलाए, दूसरी बात ये कि इतना परेशान कर दो कि वो थक हार के बैठ जाए. और एक बात और है, आप हल्का सा आगे गाड़ी को ले रहे हैं, पीछे रिवर्स में कर रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी कोई बंदा रुकता नहीं है. मतलब एक अच्छा खासा कंपटीशन है. ये एक गेम होना चाहिए ओलंपिक में कि आप अगर गाड़ी को आगे फॉरवर्ड या रिवर्स में कर रहे हैं तो किस तरह लोग हर सेकंड आपकी कार के पीछे निकल रहे हैं, आपको उसमें टर्न बैक करना. ये मतलब बहुत चैलेंजिंग है. और ऐसा नहीं है महिलाएं बहुत अच्छी कार चलाती है, लेकिन जो सोशल परसेप्शन बनाया हुआ है वो खिलाफ है. क्योंकि कहीं ना कहीं मेल को लगता है यार हमारे इसमें ना हमारी इसमें इंक्रोचमेंट हो गया, गाड़ी तो हम ही चलाएंगे, सड़क के बादशाह तो हम ही हैं, सड़क छाप तो हम ही हैं. तो महिलाओं को रोका जाता है इन सब कामों में. और ये बड़ा सटल और इनडायरेक्ट होता है, लेकिन हमें भी समझना पड़ेगा, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी गाड़ी चला लेते. सो रिजॉल्व दैट द लॉज ऑफ प्रॉपर्टी आर अफेक्टिंग मैरिज persons demand a thorough revisal so that all rights be equal between them and their wife have during life an equal control over property gained by their mutual toil. So, यहाँ पे ये बात बहुत significant है कि इस वक्त 1850 में जब हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं तब महिलाओं को, यहाँ तक कि वो जॉब करती हैं, वो टैक्स पेयर हैं, उनको अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है. और आपने कोई प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के साथ बराबर पैसा जोड़कर आपने खरीदी है, लेकिन नाम वो प्रॉपर्टी आपके नहीं होगी, ये बहुत दुख की बात है. आज भी हमारे समाज में शादी के बाद लड़कियों से उनके भाइयों के हिस्से में जो उनकी प्रॉपर्टी आती है उससे बहुत प्यार मोहब्बत से सिग्नेचर करा लिए जाते हैं कि भाई हम अपना अधिकार इस प्रॉपर्टी से छोड़ते हैं, जबकि कागजों में हमें प्रॉपर्टी का अधिकार है. कागज में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर महिला, भारतीय महिला को उसके पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार है, लेकिन सामाजिक तौर पे उसको वो राइट ऑफ करना पड़ता है. वो करती हैं, कुछ मामलों में करती हैं, कुछ में नहीं करती, लेकिन ज्यादातर में ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी राइट ऑफ करवा लेते हैं. उनको ये कह के कि भाई अब तो तुम्हें ससुराल में भी मिलेगा, अब तुम ससुराल में भी लोगी, पीहर में भी लोगी, तो तुम तो मालामाल हो जाओगी, जबकि असल में स्थिति बहुत खराब है, कुछ भी नहीं है ऐसा. द फॉलोइंग इज अ ब्रीफ समरी ऑफ प्रिंसिपल डिमांड्स. अब क्या डिमांड थी उसकी, ये बहुत ज्यादा जरूरी, इसको आप बार बार थोड़ा सुन लें, पढ़ लें. और ये मैं आपको वीडियो भी इसलिए दिखा रही हूँ कि एक बार देख लो. तो ये जो ओहियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1850 में 23-24 अक्टूबर को, उसमें क्या डिमांड थी, वो प्रिंसिपल डिमांड थी एजुकेशन. पहली थी शिक्षा, फिर था पार्टनरशिप और फिर था को इक्वल शेयर. ये तीन बड़ी बड़ी डिमांड थी. एक बार फिर से आप इसको सुन ले, एजुकेशन, पार्टनरशिप, को इक्वल शेयर, ये मेन डिमांड्स थी. एजुकेशन इन प्राइमरी एंड हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल, लीगल एंड थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन. थियोलॉजिकल होता है धार्मिक इंस्टीट्यूशन. तो महिलाओं को शिक्षा में, प्राइमरी, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल में, लीगल में और धार्मिक शिक्षा में उनको पूरा अधिकार. पार्टनरशिप में इन द लेबर एंड गेन्स, रिस्क एंड रिम्यूनरेशन, प्रोडक्टिव इंडस्ट्री. किसी भी इंडस्ट्री में, प्रोडक्टिव इंडस्ट्री में, वहां पैसा लगा सकती है, बिजनेस कर सकती है, और उसका अगर कहीं मेहनत है, उसका कोई प्रॉफिट है, तो मेहनत में भी भागीदार है और जो उसका प्रॉफिट है उसमें भी वो भागीदार है. पार्टनरशिप बराबर की, साडा हक इथे रख. ए को इक्वल शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ, म्यूनिसिपल, स्टेट एंड नेशनल.
थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कोर्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो को इक्वल शेयर है, सभी में बराबर का शेयर है, जैसे कि म्यूनिसिपल में, स्टेट में, नेशनल में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, कोर्ट्स में, एग्जीक्यूटिव्स में, सब जगह महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है। वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाएगी, पॉलिटिक्स करेगी, वो कोर्ट में जज बनेगी, वकील बनेगी, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेगी, वो ऑफिस में काम करेगी, वो अपना नया बिजनेस शुरू करेगी और पार्टनरशिप में वो बेनिफिट भी लेगी और उसको पूरा शिक्षा का अधिकार है। ये बराबर डिमांड्स थी जो आप याद रखें, पार्टनरशिप को इक्वल शेयर एंड एजुकेशन, ईपी को तो एजुकेशन, पार्टनरशिप एंड को इक्वल शेयर। ओके, इट वुड बी डिफिकल्ट टू पुट सो मच ट्रू जस्ट द रीजनेबल मीनिंग इन ए स्टाइल सो लिटिल कैलकुलेटेड टू recommended it as that of some of the resolutions. अब आगे बढ़ते हैं। Actually इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको basically इस article को पढ़ना चाहिए और मैंने बहुत सारे videos डाल दिए हैं, कम से कम ये छठा सातवा video है और इसमें shorts भी है मेरे जो आप उसको सुन सकते हैं, छोटे छोटे quotes है और इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो सिग्निफिकेंट कोट्स ही दे रही हूँ क्योंकि आर्टिकल तो बहुत लंबा है, 25-30 पेज से ऊपर का आर्टिकल है। ओके, तो ये है कि जैसे ये है ना, वी डू नॉट इमेजिन दैट एनी अमेरिकन डेमोक्रेट विल इवेड द फोर्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बाय द डिसऑनेस्ट और इग्नोरेंस सबटरफेज दैट मैन इन दिस मेमोरेबल डॉक्यूमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर ह्यूमन बींग बट फॉर द वन सेक्स ओनली। और वो कहती है कि मैन को जो है ना आपने एक यूनिवर्सल वो दे दिया, मतलब मैन का मतलब होता है सभी, नहीं, मैन का मतलब वन सेक्स, एक सेक्स है, दूसरे को आपने छोड़ दिया। तो ये वाली बात नहीं है कि जहां जहां आप मैन लिखते हैं आप उसको एक मीनिंगफुल वे में कह देते हैं कि ये तो सब इंक्लूड है, महिला, पुरुष, बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसमें लाइफ लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे अधिकार महिलाओं को होने चाहिए। लाइफ उसकी जिंदगी की, उसको जीने का अधिकार है, डिग्निफाइड रूप में अधिकार है, वो लिबर्टी किसी भी रूप में, वो किससे शादी करे, कब शादी करे, कहाँ शादी करे, कौन सा बिजनेस चुने, किस तरह की लाइफ लीड करना चाहे, प्रॉपर्टी खरीदे, अकेली रहे, पार्टनरशिप में रहे, रिलेशनशिप में रहे, वो किसी भी धर्म को फॉलो करे, कोई भाषा, जाति, कहीं भी वो कुछ भी, उसका जो अधिकार है कहीं भी ट्रेवल करने का, वो पूरा उसको एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको ह्यूमन स्पीसीज के रूप में आप देखिए, उसको एक महिला के रूप में मत देखिए, वो एक इंसान है, बस ये है। और यहाँ पे बाकी सारी चीजें वो बता रही है, ब्रिटिश आइलैंड की बात करती है, यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ लेना थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना ही चाहिए। और इस पे बहुत सारा मैंने आपको रिपीटेडली मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप सारे वीडियो फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ भी बचेगा इससे रिलेटेड। तो ये काफी चल रहा है, काफी सारा, और इसको आप देखते जाओ, फिर मैं आगे इसमें जो चीफ चीजें, जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो मैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कोट्स हैं जो आपको एक्चुअली मतलब दिमाग की बत्ती जला देते हैं। और पढ़ने लिखने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते हैं ना, आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही होती है उसको आप समझ पाते, आपको समझने का एक वो आ जाती है कि ये ऐसा हो क्यों रहा, ऐसा क्यों हो रहा। देखो, नीग्रो स्लेवरी, महिला के अधिकार का जो हनन होता है, नीग्रोज का भी वही होता है, दलितों का भी वही होता है, महिलाओं का भी वही होता है, छोटे बच्चों का भी वही होता है। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ बहुत अच्छे कोट्स हैं जो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी। अब यहाँ पे देखो, ये चीज समझो, महिलाओं के लिए ज्यादातर क्या है कि वो डोमेस्टिकेटेड है, घर में रहेगी, घरेलू है, प्राइवेट में उसकी लाइफ है, पब्लिक में आना उसके लिए ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स करना उसके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो ये हैरियट कहती है कि अगर आप टीचिंग लर्निंग में जा रहे हो, ये अभी की बात बता रही हूँ, 1850 की, अगर आप टीचिंग लर्निंग कर रहे हो, अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, तो आप अनफेमिनिन हो गए। मतलब फेमिनिन होने का मतलब क्या है, कम्प्लीटली डोमेस्टिकेटेड, घर के कामों में लगी हुई है, बस परिवार को देख रही है, बच्चों को देख रही है, पति की सेवा कर रही है, और घर से बाहर उसका अपना कुछ लाइफ ही नहीं है,
उसके अपनी इच्छाएं नहीं, उसे अपनी इच्छा को वो परिवार की इच्छा बना देती है, मतलब परिवार की इच्छा उसकी इच्छा, परिवार का काम उसका काम, पूरे घर को 24 घंटे देखना। और मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आप में से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, एक बार घर में सिर्फ 15 दिन ही सही आप सुबह से शाम काम करके देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो किचन में दुनिया भर का बर्तन पड़ा होता है, उसके बाद आप बर्तन मांज के फिर आप खाना बनाओ, उसके बाद आप खाना बना के तुरंत देखे फिर आपके बर्तन तैयार हैं, फिर आपने बिस्तर समेटना है, फिर आपने झाड़ू पोछा करना है, फिर आपने हर बंदे ने लोगों ने 4 बार चाय मांगी फिर 4 बार चाय पिलाओ। घर का काम इतना एंडलेस थकाऊ होता है और उसका कोई अंत नहीं, और उसके बाद उसका कोई रिटर्न भी नहीं। 2 मिनट में लोग कह देंगे किया क्या है, अरे भाई साहब हमने कुछ नहीं किया, आप करके देख लो, हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप कर लो, आप सारा संभाल लो, हम आपकी तरह हो जाते, सुबह उठेंगे, चाय पियेंगे, कपड़े पहने, बाय बाय टाटा निकल गए, ठीक है हमें ये बढ़िया पसंद आया, आप हमारा काम कर लो। तो असल में घर का काम इतना एंडलेस होता है, 24x एंगेजमेंट चाहिए उसमें, 24 घंटे हर एक मिनट, और उसके बावजूद भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब बातें कैसी है, देखिए आज भी हमारी सोसाइटी में ये सारी बातें बड़ी कॉमन है, अरे लड़की को ज्यादा मत पढ़ाना खराब हो जाएगी, लड़की देखो ये बता बिगड़ क्यों गई, तो इसको पढ़ा लिखा दिया ना, ये देखिए ये बात इसने यहाँ कह दी। हेरे टेलर मिल अभी कह रही है कि सोसाइटी में परसेप्शन क्या है, अगर आप लिटरेट हैं, एजुकेशन में हैं, आप पढ़ना लिखना चाहती, पोएट्री लिख रही, तो आप अनफेमिनिन है। फेमिनिन क्या होता है यहाँ के हिसाब से, फेमिनिन क्या है, एकदम फ्रेजाइल सी, डोमेस्टिकेटेड, बिल्कुल विरोध नहीं करने वाली, आपने जो कह दिया बस वो काम, घर में बच्चों की इच्छा उसकी इच्छा, पति की इच्छा उसकी इच्छा, और एकदम जिसे गाय की तरह बांधो ना कहीं भी और उसका एक्सप्लोइटेशन करते रहो, वो है फेमिनिन। अनफेमिनिन क्या है, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, अपना ओपिनियन लिख दिया, आप पब्लिकेशन के लिए जा रहे हैं, आप जॉब्स ट्राई कर रहे हैं, आप इस चीज को मना कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन रिजेक्शन ये तो महिलाओं के लिए है ही नहीं, उनके लिए तो फिक्स आपने बना दिया, तो वो प्राइवेट और डोमेस्टिकेटेड लाइफ आपने उसको दी, तो पॉलिटिक्स और पब्लिसिटी उसके लिए नहीं है। और ये चीजें आज भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है। तो हमने उसको एक बहुत बड़ा उसका जो इंडिविजुअलिटी है, उसका जो एक स्पेस है, प्रॉपर स्फेयर है, उसकी जो जगह है वो हमने छीन ली, महिला को नहीं दिया आपने वो जगह, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है इसमें, अब यहाँ पे देखना, देयर नीड टू बी नो फियर दैट वुमेन विल टेक आउट ऑल द हैंड्स ऑफ मैन एनी ऑक्यूपेशन विच मैन परफॉर्म बेटर देन दे आर। अब जब महिलाएं एजुकेशन में आई तो उसके बाद उन्होंने काम की तलाश शुरू की, नौकरी पाना चाहा, तो लोगों ने किस तरह का भ्रम फैलाया कि महिलाएं अगर आ गई, सारा काम ले लिया, नौकरियां ले ली, तो आदमी कहां जाएंगे, आदमी कहीं जाओ, आप अगर एक कैपेबल बंदा है जो पढ़ा लिखा है, अच्छा काम कर रहा है, आप वो प्रोफेशन को अच्छी तरह डील करता है, तो उसको मिलना चाहिए। अब ये इस तरह की बातें फैला, और यही बातें हमारे देश में रिजर्वेशन को लेके फैलाई जाती है कि अगर ये आ गए तो फिर हमारी नौकरियां खा जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सब अपना अपना अपने टैलेंट और अपने काबिलियत से आते हैं, और आपने जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन दिया तो जाति के आधार पर आपको रेमेडी देनी पड़ेगी। आप किसी को इसीलिए तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि वो विशेष जाति का है, तो विशेष अधिकार उसको मिलेंगे। महिलाओं के साथ आपने भेदभाव किया तो महिलाओं को अधिकार मिले, भले महिलाओं ने लड़ा अधिकारों के लिए, और पहला एग्जाम्पल हम देख ही रहे, ये जो कॉन्फ्रेंस आपके सामने चल रही है, तो उसमें ये जो भ्रम है कि महिलाएं आ जाएगी सारी आदमियों की नौकरियां खा जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, बोगस है। और यहाँ पे अब ये कुछ बहुत अच्छे इसमें मैं बस वही पढ़ के सुनाऊंगी आपको, ये अब यहाँ देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पैराग्राफ को समझना थोड़ा। इस पैराग्राफ में कहा कि आपने जैसे 2 सेट बनाए, 100 बॉयज और 100 गर्ल्स, यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने एक सेट को फुल एजुकेशन दी, फुल लेंथ दी, उनको खेलने कूदने का, शिक्षा का, सब चीज का आपने अधिकार दिया, तो उनकी पर्सनालिटी और सक्सेस कितनी डेवलप होगी। और दूसरा आपने क्या किया, लड़कियों को एक लिमिटेड दायरे में रखा, उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे सब्जेक्ट उनको पढ़ने नहीं दिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उनको जाने नहीं दिया, बहुत सारा उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, गेम्स में नहीं जाने दिया, मतलब आपने एक लिमिटेड दायरे में उनको
ग्रो किया, और एक जो सेट ऑफ 100 बॉयज है उनको आपने एक्सट्रीम लिबर्टी और चॉइस के साथ आपने ब्रॉट अप किया। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग और दोनों की टैलेंट और एक्शन में बहुत फर्क आएगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियों में टैलेंट नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को आपने फ्लरिश नहीं होने दिया, उसको मौका नहीं दिया। और ये देखो, आप पढ़ लो, सिडनी स्मिथ का वर्क है वॉल्यूम 1 पेज नंबर 200 पे, इफ यू कैच अप वन हाफ ऑफ दीज क्रीचर्स एंड ट्रेन देम। देखो यहां से देखो, एज लॉन्ग एज बॉयज एंड गर्ल्स रन अबाउट द डर्ट इन टंडल ढूप टूगेदर दे आर बोथ प्रिसाइजली अलाइक। छोटे बच्चे जब होते हैं वो एक जैसे लगते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता, एक्टिविटीज भी सेम होती। बट इफ यू कैच अप वन हाफ ऑफ दीज क्रीचर्स एंड ट्रेन देम टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्शन एंड ओपिनियन। अब इनमें से आप एक दो सेट बना के एक को पर्टिकुलर एक्शन और ओपिनियन में आप उनको ढालते हैं, एंड अदर हाफ टू ए परफेक्टली ऑपोजिट, और दूसरे को बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब एक को आपने ऑप्शन दिया दूसरे को नहीं दिया, एक को अपॉर्चुनिटी दी दूसरे को नहीं दी। और ऑफकोर्स देयर अंडरस्टैंडिंग विल डिफर एंड वन ऑफ द अदर सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशन हैज कॉल्ड दिस और दैट टैलेंट इन टू एक्शन। तो दोनों की टैलेंट एक्शन में परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आएगा। और लास्ट में आप क्या टैग कर देते, अरे इनको तो ये आता ही नहीं, अरे ये तो ये कर ही नहीं पाती, अरे भाई साहब आपने अपॉर्चुनिटी कितनी दी ये तो बताओ, कितनी अपॉर्चुनिटीज दी, कितना आपने अवेलेबिलिटी दी, कितना आपने उन चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी सब सेम है, औरतों के दिमाग में कोई अलग से उनकी कोई हर्डल नहीं है माइंड में कि कोई ब्लॉकेज लगा हुआ कि नहीं ये तो सीख ही नहीं पाएंगी, बल्कि वो ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आपको मौका ही नहीं देते तो कहां से सीखेगी। और उसके बाद वुमेन हैव शोन फिटनेस फॉर द हाईएस्ट सोशल फंक्शंस, है ना, जहां उनको मौका मिला वहां उन्होंने सबसे सुप्रीम क्वालिटी की काम और पूरा परफॉर्मेंस करके बता दिया। जैसे कि ये एग्जांपल देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये सारी औरतें हैं और इन्होंने स्टेट को, पूरे राज्य को, देशों को, बड़े बड़े चीजों को इन्होंने मैनेज किया है। एग्जांपल के तौर पे क्वीन एलिजाबेथ को हम सब जानते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम सर्विंग पीसफुल एंड फ्लरिशिंग रूल ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ओके, इसाबेला ऑफ कास्टिल, मारिया तेरेसा, कैथरीन ऑफ रशिया, द ब्लेंच मदर ऑफ लुइस 9th ऑफ फ्रांस, जेन डी अल्बर्ट मदर ऑफ हेनरी क्वात्रे, और ये कुछ कुछ है जो कि जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे आएगा, एक यूरोप की एक संधि बड़ी फेमस है, वन ट्रीटी कैम्ब्रे, ट्रीटी ऑफ कैम्ब्रे। इस ट्रीटी ने पूरे यूरोप का नक्शा बदल के रख दिया। और वो क्या था, किसके बीच में हुई थी ये ट्रीटी, दो महिलाओं के बीच में, और उन्होंने किस तरह से यूरोप को कई सौ सालों तक पीसफुल सिचुएशन में ला दिया, वो थी एम्परर चार्ल्स द फिफ्थ एंड मदर ऑफ फ्रांसिस द फर्स्ट। इन दो औरतों के बीच में ये संधि हुई थी कैम्ब्रे, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत सिग्निफिकेंट एग्जांपल है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द ट्रीटी ऑफ कैम्ब्रे विच गेव पीस टू यूरोप वॉज निगोशिएटेड इन कॉन्फ्रेंस वेयर नो अदर पर्सन वॉज प्रेजेंट बाय द आंट ऑफ एम्परर चार्ल्स द फिफ्थ, है ना, चार्ल्स फिफ्थ की आंट थी वहां पे, और मदर ऑफ फ्रांसिस द फर्स्ट, ये दोनों माइनर थे, तो इनकी एक आंट ने और मम्मी ने मिलके एक ट्रीटी की कैम्ब्रे की, और उसके बाद यूरोप में काफी लंबे समय तक पीसफुल रहा। तो महिलाएं पूरा स्टेट बदल सकती है, देश का भविष्य बदल सकती है। अब यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स बड़े सिग्निफिकेंट है, जो कि मैं इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाऊं आपको। देखिए, औरतों को काम करने से रोका और उनको अलग थलग रखा। सबसे पहली पॉलिटिक्स तो यही थी कि भाई ये मार्केट में आएगी, काम करेगी तो आदमियों का काम छिन जाएगा, ये था। उसके बाद फिर कुछ कुछ आर्गुमेंट दिए गए, देखो कैसे बोगस आर्गुमेंट है। पहला, द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ एक्टिव लाइफ विद मैटरनिटी। अब औरतें जब माँ बन जाती है तो उसके साथ उसकी एक्टिव लाइफ खत्म हो जाती, मतलब कि वो नौकरी नहीं कर सकती, उसको सिर्फ घर देखना होता। अब यहाँ सवाल उठाया है हेरियट ने कि क्या आदमी बाप बनने के बाद और पिता बनने के बाद या पति बनने के बाद नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि वो बाहर का स्ट्रेस नहीं ले सकता, नौकरी का स्ट्रेस नहीं ले सकता, बिकॉज ही इज अ फादर। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो महिलाओं के साथ जब वो माँ बनती है या वो घर को देखती है या पत्नी है तो वो नौकरी क्यों नहीं कर सकती? जिस तरह आदमी कर सकते हैं नौकरी वो भी करेगी। सेकेंडली इट इज एलेज हार्डनिंग इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर। फिर ये था कि भाई नौकरी में काम में बड़ा स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो उसकी चरित्र पे उसकी जो है ना नाजुक होती है औरतें, ऐसा मतलब कहा है, होती तो है नहीं कि भाई उनकी जबरदस्त नेगेटिव असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज महिलाओं ने सब कुछ साबित कर दिया, वो साइंटिस्ट है, वो आर्मी पर्सनल है, वो ट्रेनर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो प्रोफेसर है, वो टीचर है, वो एक सिंपल डोमेस्टिक लेबरर भी है, वो सब कुछ है और सब बड़ा एफिशिएंटली काम करती। उसके कैरेक्टर पे, पर्सनालिटी पे, नेचर पे कोई हार्डनिंग इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो और ज़्यादा एफिशिएंट है। थर्डली दूसरा बोगस आर्गुमेंट क्या देते हैं, एक्सपीडियंसी ऑफ मेकिंग एन एडिशन टू द ऑलरेडी एक्सेसिव प्रेशर ऑफ कॉम्पिटिशन, है ना। प्रोफेशनल में, प्रोफेशन में एक प्रेशर होता है, एक्सेसिव कॉम्पिटिशन है, महिलाएं झेल नहीं पाती। ऐसा नहीं है भाई साहब, सब झेल लिया, सब कर लिया, सब काम हो गए, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारे तीनों बोगस 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 आर्ग्यूमेंट है। आप इसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, अपनी तरफ से रीड कर लेना, ये आपको उस पे वीडियो पे भी मिल जाएगा। फिर है आपका मैटरनिटी आर्ग्यूमेंट जो कि बोगस है, कि माँ बनने के बाद वो प्रेशर में है, काम नहीं कर पाती, सब करती है, करके दिखाया महिला ने। तो अब ये कि क्या महिलाओं को पार्लियामेंट से दूर रखा क्योंकि वो माँ है, है ना, उसका सॉफ्ट नेचर है, वो डोमेस्टिकेटेड है। क्या आदमियों को आपने पार्लियामेंट से हटाया? अगर वो सोल्जर है, सेलर है या बिजनेसमैन है, तो ऐसा है कि उसको एक काम का प्रेशर है तो वो दूसरा पार्लियामेंट में नेतागिरी नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है, वो सब काम करता है, महिलाएं भी कर सकती है। तो आपने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को ये कह कह के काम से रोक दिया, पब्लिक लाइफ से रोक दिया कि वो ये नहीं कर पाएंगी, और उन्होंने करके दिखा दिया, जब उनको मौका मिला तो वो करके दिखा दिया। तो ये सारा पैराग्राफ इसी के ऊपर है कि वो एक प्रोफेशनल लाइफ को कैसे जी सकती है। वो पार्लियामेंटेरियन हो सकती है, वो जज हो सकती है, वो पायलट हो सकती है, वो सब कुछ हो सकती है। आप उसको रोके ना, वो क्या बनना क्या नहीं बनना उसे खुद तय करने दीजिए, ये यहीं पे है। तो जो मैटरनिटी आर्गुमेंट है वो बिल्कुल डेजर्ट है, बकवास है। ओके, अब यहाँ पे ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि नंबर ऑफ वुमेन आर वाइव्स एंड मदर्स ओनली, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन खुला ही नहीं है उनके लिए। जैसे ही ज्यादातर आज भी हमारे देश में होता है, शादी के प्रपोजल में नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपको जॉब नहीं करना, हमारे परिवार में लड़कियों को जॉब नहीं करवाते, बहुओं को जॉब नहीं करवाते, तो उसको इकोनॉमिक, उसकी इंडिपेंडेंसी खत्म कर देते, उसका सोशल नेटवर्क खत्म कर देते, और उसके बाद फिर वो टोटली आप पे डिपेंड हो जाएगी, फिर आप उसका जैसे चाहे एक्सप्लोटेशन करो। मेन आर्ग्यूमेंट तो यही है, आप किसी की एक्टिव लाइफ, सोशल लाइफ को आप उसको खत्म कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसके बाद आपकी बात मानेगी वो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है आप पे, सोशली बायकॉट हो गया, कोई है ही नहीं, तो फिर आप कुछ भी करो। और यही सोसाइटी करती है, एक्चुअली हिडन एजेंडा यही है समाज का। तो यहाँ पर हर महिला को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, नौकरी पहले करो शादी बाद में, पहले जॉब। आप अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो आप किसी भी स्ट्रेस को झेल सकते हैं, अगर आपके पास इकोनॉमी नहीं है तो सारी बातें कुछ नहीं, खाली डब्बा खाली बोतल। अब आगे आते हैं, एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज फुल फोर्स अज्यूमिंग दैट टू ले ओपन टू वुमेन एम्प्लॉयमेंट नाउ मोनोपोलाइज्ड बाय मैन वुड टेंड लाइक ब्रेकिंग डाउन ऑफ अदर मोनोपोलीज टू लोअर द रेट ऑफ रिन्यूमरेशंस टू दोज एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद ये देखो, आदमियों में ये डर बहुत है, औरतें काम पे आएगी तो उनके काम छिन जाएंगी, आप अपना काम और बढ़िया करो ना। वुमन वुड रेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ सर्वेंट टू द पार्टनर। अच्छा, महिला की स्थिति पूरे समाज में आदमी की सबोर्डिनेट होती है, मतलब उसके हस्बैंड की इच्छा उसकी इच्छा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, जबकि आदमी अपने लिए जीता। इसमें बड़ा अच्छा बोला हैरियट, बोलती भी है मैन दे लिव फॉर देयर ओन सेक, और महिलाएं, आदमी का अपना ओपिनियन होता है, उसकी अपनी
अपना उसका एक सोशल नेटवर्क होता है, उसकी जॉब होती है, उसका अपना, वो अपना ओपिनियन लेके चलता है और महिला उसके साथ उसका ओपिनियन शेयर करती है। मतलब ज्यादातर यही है कि महिला का ओपिनियन वाइफ का ओपिनियन हस्बैंड का होगा या हस्बैंड का ओपिनियन वाइफ का होगा। हस्बैंड का अलग हो सकता है लेकिन वाइफ का अलग नहीं हो सकता। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। अब आप यहां देखो, ये मैं जब आपको ये मतलब आप पेपर देख रहे हैं सामने, पढ़ते जाना इसको, काफी सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो मैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स कर रही हूं। ठीक है, तो आपने वन हाफ ऑफ पॉपुलेशन को एकदम सबॉर्डिनेट कर दिया, इन अ फोर्स्ड सबॉर्डिनेशन। आधी आबादी को आपने जबरदस्ती उसको कंट्रोल किया है सोसाइटी के नॉर्म्स के थ्रू, रिलीजियस कहानियों के थ्रू, अपॉर्चुनिटीज नहीं देना और कंट्रोल करना, एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी पूरी नहीं, अपनी तरह से प्रोफेशन चुनने का अधिकार नहीं, या फिर परिस्थितियां इतनी विकट होती है। महिलाओं के लिए देखिए, पूरे 24 आवर्स में 12 घंटे का कर्फ्यू तो होता ही है, आप रात को कहीं नहीं जा सकते। तो एक पूरा नाइट 12 आवर्स का जो टाइम पीरियड है जिसमें कि वो बाहर जाके काम कर सकती हैं और भी अपने अपने आप को एक्सपांड कर सकती हैं, नया बिजनेस ओपन कर सकती, वो तो कर्फ्यू लगा हुआ रात को 9 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक या 6-7 बजे तक, तो महिलाएं कहां सेफ है बाहर। तो ये जो टाइम है जिसमें कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो टैक्सी ड्राइवर पूरी रात टैक्सी चला के वो अपना काम कर लेता, पर एक महिला टैक्सी नहीं चला सकती पूरी रात, वो सेफ नहीं है, उसके साथ हादसे हो जाएंगे। तो आपने टाइम को भी तो उसको नहीं दिया ना औरत को। औरतों के लिए टाइम भी बहुत लिमिटेड है, पूरे 24 में से 12 आवर्स ही है जिसमें वो अपना जाना आना कर सकती है, मूवमेंट कर सकती, कोई नया स्टार्टअप कर सकती। मान लो आपने एक बिजनेस खोला पर आपका ऑफिस है आपके घर से 10-20 किलोमीटर दूर, पर आपका कंपल्शन है कि भाई आप दिन में आप बिजी हैं फैमिली लाइफ में, बच्चों में, पर आप रात को काम करना चाहते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, तो आप इतना दूर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपका आने जाने में आपके साथ कोई हादसा हो जाए। ऐसी स्थिति में पुरुष काम कर लेते हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे अपना आराम से, रात भर ट्रेवल कर लेते हैं, तो वुमेन्स के लिए रिस्की है। अब यहाँ पे देखो, औरतों के साथ जो सुप्रीम वर्च्यू ना, सबसे बड़ा गुण क्या जोड़ा कि जैसे जनता होती है ना कोई किसी देश के नागरिक, तो उनकी सुप्रीम लॉयल्टी होती है उसके राजा के प्रति। पहले ऐसा होता था जब राजे महाराजाओं के समाने थे, तो किंग के प्रति लॉयल, तो पूरे जो 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 कंट्री है, जो किंगडम है, उसका सुप्रीम होता किंग और जनता उसके प्रति वफादार होती। हमारे पुरुषवादी समाज में घर का उस देश को ना घर समझ लो, उस देश का बड़ा रूप घर का छोटा रूप हो गया और वहां का राजा होता पुरुष, तो उस घर में रहने वाली महिला की टोटल लॉयल्टी उस पुरुष के लिए है। देख लो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। The supreme virtue of subject was loyalty to kings and are still persuaded that paramount virtue of woman is loyalty to man. तो पैरामाउंट मतलब सुप्रीम वर्च्यू जो महिला का माना गया वो है लॉयल्टी टू मैन, उसके आदमी के प्रति उसकी लॉयल्टी। आदमी लॉयल है कि नहीं है ये बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ दो, वो तो अपना इंडिविजुअल है, वो कुछ भी करेगा। अब ये कि औरतें ऐसी क्यों बनती है, क्योंकि आदमी को पसंद है ना। तो मैन लाइक्स टू हैव हिज ओन विल बट डज नॉट लाइक दैट हिज डोमेस्टिक कंपेनियन शुड हैव विल डिफरेंट फ्रॉम हिम। आदमी तो अपनी उसकी अपनी इच्छा है लेकिन उसके जो पार्टनर है उसकी अपनी इच्छा अलग नहीं हो सकती उससे। ये पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट है ना। अब देखो, जब हम ये बात करते हैं भाई औरतें कमजोर होती सॉफ्ट होती है, तो देखो कितने बड़े बड़े काम फिजिकल लेबर उनसे करवाया गया और इतिहास गवाह। द ऑस्ट्रेलियन सेवेज इज आइडल व्हाइल वुमेन पेनफुली डिग अप द रूट ऑन व्हिच ही लिव्स, है ना। औरतें बहुत सीवियर फिजिकल लेबर करती है जिनमें उनको रूट डिग अप करना होता है जहाँ पे आदमी रहते हैं। अमेरिकन इंडियंस मैन ही किल्ड द डेयर, वो हिरण को मारता है और उसके बाद वो उसको कैरी करने के लिए महिलाएं आती है। और एशिया में वुमेन को
एक सेंसुअलिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। महिला के शरीर को इतना ग्लोरीफाई और इतना एकदम सेंसुअस रूप में प्रेजेंट करते हैं जैसे पता नहीं क्या, आदमियों के लिए पता नहीं क्या है। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल याद रखना, द वाइफ वाज पार्ट ऑफ द फर्नीचर ऑफ होम। जैसे आप घर में लाते हैं ना एक अच्छा सा सोफा बेड और बढ़िया पैसा देके आप लाते हैं, फिर उसको एंजॉय करते हैं, उसी तरह महिला जो है घर का एक फर्नीचर है जिसको आप लेके आए हैं। अब वो आपके प्लेजर के लिए, आपके काम के लिए, आपकी हेल्प के लिए वो काम करेगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने बाइक खरीदी और आप उसको चलाते हैं, या आपने कार खरीदी, या आपने घर में सोफा सेट लाए, कोई आइटम लाए, आपने पेमेंट किया है, आप उसको यूटिलाइज करते। महिला का हिस्सा भी, महिला का रोल भी एक फर्नीचर की तरह ही होता है। He was a patriarch and a despot within four walls। जिस तरह राजा होता है ना, किंग, किंग होता है ना, किंग देश का, वो बिल्कुल डेस्पोट होता है, उसके कोई विरोध नहीं, उसी तरह से आदमी पेट्रियार्क जो है चार दीवारी का डेस्पोट होता है, किंग होता है, उसी की मर्जी चलेगी, वही सब कुछ है। ठीक है, ए रिस्पॉन्सिबल पावर, और उसके बाद उसके पास जो जिम्मेदार, जो उसका पावर वो अनंत है। आदमी का पावर घर में अनंत है, और इस अनंत पावर का परिणाम देखिए, वो डोमिनेट करता है, सेल्फ वर्शिपिंग, भूल जाता है वो कि दूसरे का भी ओपिनियन अपना ही अपना, और ब्रूटल टायरेनिकल हो जाता, उसे पता भी नहीं होता। तो आदमियों में इतना टैलेंट है कि वो पैराडाइज लॉस्ट लिख लेता है, मिल्टन शेक्सपियर महान राइटर, लेकिन हम पूछेंगे शेक्सपियर की बहन भी होगी, सिस्टर होती तो क्या वो भी इतनी महान बन जाती, क्या उसे भी इतने ही मौके मिलते। और इसके लिए मैं एक छोटा सा आर्टिकल आपको बताऊंगी, 1931 का लिखा हुआ है, वर्जीनिया वुल्फ का ए रूम ऑफ माय ओन। उसमें वो एक फिक्शनरी सिस्टर बनाती है जो शेक्सपियर की, और वो पूछती है कि क्या शेक्सपियर की सिस्टर कहाँ है, क्या वो भी, उसे भी इतने ही मौके मिलते, क्योंकि जब 1931 में वर्जीनिया वुल्फ आर्टिकल लिख रही है ए रूम ऑफ माय ओन, उस वक्त लड़कियों को लाइब्रेरी में पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, किताबें भी नहीं छपती थी उनकी, जितनी भी राइटर्स हैं उस टाइम की सबने सूडो नेम मतलब कॉमन नेम टाइप यूज करके अपने पब्लिकेशंस कराए। तो नो मैन नाउ थिंक दैट हिज वाइफ हैज नो क्लेम अपॉन हिज एक्शन बट सच एज ही मे अकॉर्ड टू हर। तो ये आदमी सोचता है कि वो क्या कर रहा है उस पे उसकी वाइफ का कोई अधिकार नहीं, लेकिन वाइफ क्या करेगी उस पे उसका पूरा अधिकार है। महिला को प्रॉपर्टी के रूप में देखता है इंसान, आदमी जो है महिला को पर्सनल प्रॉपर्टी देखता है। और द पावर ऑफ हस्बैंड दैट हैज रीच द स्टेज विच द पावर ऑफ किंग। एक राजा के जितने अधिकार होते हैं ना, उतने ही अधिकार आदमी के उसके घर में होते हैं। आदमी घर का राजा होता है और औरत उसकी गुलाम, ये बात है। Those who are so careful that women should not become men do not see that men are becoming what they have decided the women should be। और उसको, महिला को पूरी तरह कल्टिवेट इस तरह किया जाता है कि वो मेन को हेल्प करे, जबकि ऐसा आदमी को नहीं ट्रेन करते हैं कि भाई वो औरतों को हेल्प करे ना, वो तो अपने लिए काम करेगा, वो अपने आर्टिकल लिखेगा, अपना पब्लिकेशन जब करेगा अपना आराम से, औरत को उसकी वाइफ को उसके लिए काम करे। उसे कभी याद नहीं रहता कि मेरी पत्नी के कपड़े धुले हुए हैं कि नहीं, मैं प्रेस करवा के रख लूं, लेकिन पत्नी को ये करना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड जाएंगे तो मुझे उनके कपड़े धो के प्रेस करवा के और तैयार रखने, आदमी नहीं करते। अच्छे लोग करते भी होंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन मेजोरिटी तो नहीं है। ये आर्टिकल आपको ऑफेंसिव लग सकता है, पर ये हकीकत। देयर आर वुमेन हु आर द इक्वल्स ऑफ इंटेलेक्ट एनी मैन हु एवर लिव्ड comparing ordinary women with ordinary man। तो महिलाओं में बहुत टैलेंट होता है, मौका मिले तो, मौके ही नहीं मिलते, सारे रास्ते बंद। और यही बात SC/ST दलितों के लिए होती है, यही बात कमजोर तबके के लिए होती है। अब यहाँ पे जो औरत का जो स्टेचर है, जो उसकी स्थिति है, वो सर्वेंट की तरह, तब उसको आदमी को कंपेनियन चाहिए, तो उसको वो थोड़ा सा ग्रूम करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन उतना ही जितना वो उसको उससे उसका बेनिफिट ले सके। दैट वुमेन शुड बी नॉट स्लेव और सर्वेंट बट कंपेनियंस।
तो उसको एजुकेशन कितनी देंगे ये आर्टिकल, ये आगे पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग, उसको उतनी ही शिक्षा देते हैं जितनी की वो उसको हेल्प कर सके, इतना नहीं देते कि वो उसका इंडिविजुअल अपना एक वजूद बना ले, इतना नहीं देते। अब यहाँ पे पढ़ते जाना आप लोग, आगे रीडिंग करते जाना आर्टिकल सामने। आदमियों का प्रभाव औरतों पे होता है लेकिन औरतों का प्रभाव आदमियों पे कम होता है। सारा बहुत जरूरी है, एजुकेशन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है, पूरा। ये आर्टिकल सबको ही पढ़ लेना चाहिए, मैं तो काफी अच्छा लगा तो मैंने काफी सारे वीडियो बना दिए इस पे। आप लोग सारे ही वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको कुछ बचेगा नहीं, और फिर भी मैं चाहूंगी एक बार आप पढ़ें। अब यहाँ पे देखिए, औरतों के बिहाव पे बहुत कुछ बोला जाता है, उनको ये पसंद नहीं है, उनको ये पसंद नहीं, जबकि औरतों से कभी पूछा नहीं गया। तो यहाँ पे वो यही कह रही है, हाउ डज द ऑब्जेक्टर नो दैट वुमेन डू नॉट डिजायर इक्वलिटी इन फ्रीडम, है ना। मतलब इस तरह प्रोजेक्शन किया है कि वो डोमेस्टिक रहना चाहती है, वो प्रोटेक्शन चाहती है, वो हमेशा शेल्टर में रहना चाहती है। तो यहाँ पे हेरिट बोल रही, उनसे पूछ तो लो, महिलाओं से पूछ तो लो, वो रहना चाहती कि नहीं रहना, आपने अपने मन से बना रहे कहानी। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग देखो, ग्रिसेल्डा हरसेल्फ माइट बी मैश फ्रॉम द स्पीच बट पुट बाय शेक्सपियर इनटू द माउथ ऑफ मेल विक्टिम ऑफ किंगली कैप्राइस एंड टायरनी, द ड्यूक ऑफ बकिंगम फॉर एग्जांपल, हेनरी द 8th एंड इवन ऑल्से लिबर्टी क्लास ऑफ लिटरेरी क्लास ऑफ वुमेन स्पेशली इन इंग्लैंड आर ऑस्टेंशियस इन डिस्क्लेमिंग द डिजायर ऑफ इक्वलिटी इन सिटीजनशिप। तो महिलाएं यहाँ पे इक्वलिटी और सिटीजनशिप की अधिकार की बात कर रही है। ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, लर्निंग मेक्स वुमेन अनफेमिनिन। अभी भी हमारे समाज में ये बात है, ज्यादा पढ़ा लिखा दिया इसीलिए तो बात नहीं मान रही, अरे कम पढ़ाओ लड़कियों को ये तो आपकी बात नहीं मानेंगी, हाँ। या बहुत पढ़ी लिखी औरतें मैरिज मटीरियल नहीं होती है, ये जैसे बहुत सारा नोशन लेके चलता है समाज, उनको लगता है कि महिला ऐसी हो जो कंट्रोल में आ जाए पूरी तरह घर परिवार में, अब उसे इजीली कंट्रोल कर सके। सबसे पहले नौकरी छुड़वाते हैं फिर उसको, और ये देखो बड़ा इंटरेस्ट, द लर्निंग मेक्स वुमेन अनफेमिनिन एंड दैट लिटरेरी लेडीज आर लाइकली टू बी बैड वाइव्स, इसे तो कोट करना है डेफिनेटली, लर्निंग मेक्स वुमेन अनफेमिनिन एंड दैट लिटरेरी लेडीज आर लाइकली टू बी बैड वाइव्स। देखो कुत्ते कितने भौंक रहे हैं, अरे चुप हो जाओ शांत हो जाओ। House of Lords by Earl of Carlisle। अभी एंड हो गया यहाँ पे। There are indications that examples of America will be followed on this side of Atlantic, and the first step has been taken in part of the England where every serious movement in the direction of political progress has its commencement. The manufacturing districts of the North on 13th February 1851, a petition of women agreed to by a public meeting at Sheffield and claiming the elective franchise present to the House of Lords by Earl of Carlisle। कुत्तों के बारे में एक अच्छी सूचना मुझे मिली जो मैंने खुद देखा है कि वो उनको जो कोई टेरिटरी है ना, मान लो जैसे वो कहीं जाते हैं किसी मोहल्ले में उनको अधिकार जमाना, तो रात को जाके ना उस एरिया में जाके भौंकते हैं। मैंने देखा कुत्तों की लड़ाई, एक ग्रुप जो है दिन में एक्टिव रहता है, एक ग्रुप रात में एक्टिव रहता है, वो पूरे ग्रुप में आते हैं 5-6 और फिर वो उस एरिया में अपने डोमिनेशन में खड़े होकर भौंकते हैं, तो और फिर वहां पे वो सुसु करके चले जाते हैं अपना टेरिटरी सेट करके। और ये डोमिनेशन की लड़ाई है जो सुन रहे हैं ना आप सारा, ये डोमिनेशन की लड़ाई, एरिया फिक्स करना है, तो ये कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही भौंक भौंक के अपनी जगह बना रहे, तो लड़ना पड़ता है। देखो कुत्तों को भी लड़ना पड़ रहा है, हमें भी लड़ना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब ये सारा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हमने कर लिया, और आप यहाँ पे
इस चीज को, ये देखो फरवरी का है 1851 का, और हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी है ना, ये सब याद रखना बहुत सिग्निफिकेंट है। और ये आर्टिकल आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल है, लिंक यहाँ पे दे रखा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो बहुत इजीली। आप जब टाइप करेंगे ना एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वुमेन हैरियट टेलर पीडीएफ, फ्री पीडीएफ करोगे सब डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, और कमेंट करना, आप बताना मुझे कैसा लगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बहुत आसान कर दूँ सारी चीज़ें। तो मुझे बताना जरूर किस तरह का था, अच्छे कमेंट लिखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जहाँ कहीं और कुछ कमी रह गई तो बताना, मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट में ज़रूर उसको इम्प्रूव करूँगी। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।